फ्रेंड्स, आई एम करण वर्धानी एंड टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग और हमें क्यों जरूरत पड़ रही है टिश्यू प्रोसेसिंग करने की। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई पेशेंट होता है, जो कैंसर पेशेंट है या कोई डिजीज पेशेंट है, उसका अपन जब सेक्शन कट करते हैं, उसके टिश्यू का कट करके जब अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं फॉर एनालिसिस, तो हम डायरेक्ट उसका वो सेक्शन है डायरेक्ट हम माइक्रोस्कोप में नहीं पुट कर सकते। उसके लिए हम उसे जो टिश्यू जो है उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी और कई स्टेप्स करने पड़ेंगे, उसकी स्लाइड्स बनानी पड़ेगी। उस पूरे स्टेप्स को कहते हैं अपन टिश्यू प्रोसेसिंग। सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ लेते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग। सबसे पहले जैसे हिस्टोलॉजी, तो हिस्टो यानी टिश्यू एंड लॉजी यानी स्टडी। तो हिस्टोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ टिश्यूज। इसमें बस ये बात ध्यान रखना है कि इसमें नॉर्मल टिश्यू की स्टडी होती है। हिस्टोपैथोलॉजी में जो होता है हिस्टो यानी टिश्यू, पैथो यानी डिसीज एंड लॉजी यानी स्टडी। तो हिस्टोपैथोलॉजी में हम क्या करते हैं, डिसीज टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, इसमें नॉर्मल टिश्यू के बारे में और इसमें डिसीज टिश्यू के बारे में। तो अब ये टिश्यू ऑप्टेन कहाँ से किया जा सकता है, तो दो तरीके, एक तो बायोप्सी और एक ऑटोप्सी। तो बायोप्सी और ऑटोप्सी में अगर हम देखें तो बात करें तो जो बायोप्सी होती है, बायोप्सी में क्या होता है कि जब अपन जब टिश्यू को लिविंग सोर्स से अब ऑप्टेन करते हैं, जो कि लिविंग पेशेंट से अगर ऑप्टेन करते हैं, एनिमल से ऑप्टेन करते हैं, तो उसे अपन बायोप्सी में लेते हैं। जबकि अगर अपन डेड ऑर्गेनिज्म या डेड जैसे कैडेवर हुआ, तो अगर उससे लेते हैं तो उसे ऑटोप्सी कहते हैं। बायोप्सी और ऑटोप्सी में एक अंतर और होता है कि जो बायोप्सी है तो हम उसमें लिविंग टिश्यू की छोटा सा सेक्शन लेंगे, जबकि ऑटोप्सी में हम लार्ज ऑर्गन या अपन डेड बॉडी का लार्ज ऑर्गन भी ले सकते। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। तो टिश्यू प्रोसेसिंग की कई स्टेजेस होते हैं, उसके बारे में हम इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। टिश्यू प्रोसेसिंग की स्टेज, सबसे पहले हम जब हम कैंसरस या कोई भी डिसीज जब सब हम सेक्शन काटते हैं, तो उसके बाद हम सबसे पहले उस टिश्यू को हम उसको फिक्स करेंगे। इसमें फिक्स करेंगे, एक फॉर्मूले लिक्विड में फिक्स कर देंगे ताकि वो प्रिजर्व रहे। उसके बाद उसकी होगी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, जो भी फिक्सेशन में जो फॉर्मलिन में जो था, वो एक्चुअल में फॉर्मलिन में वाटर प्रेजेंट रहता है, उस वाटर को हटाने के लिए हम उस डिहाइड्रेशन प्रोसेसिंग करते हैं। उसके बाद डिहाइड्रेशन करने के बाद क्लियरिंग की जाती है। क्लियरिंग कैसे करेंगे कि जो डिहाइड्रेशन में अल्कोहल लिया गया था वाटर हटाने के लिए, वो उस अल्कोहल को भी हटाने के लिए क्लियरिंग की जाती है ज़ाइलिन की हेल्प से। फिर उसके बाद टिश्यू के अंदर वैक्स, टिश्यू को सॉलिड बनाने के लिए उसके लिए इन्फिल्ट्रेशन किया जाता है 52 से 60 डिग्री सेल्सियस पे उसका इन्फिल्ट्रेशन किया जाता है, उसको थोड़ा सॉलिड बनाने के लिए। फिर उसके बाद उसको एक टिश्यू को उसके बाद उसकी टिश्यू की एम्बेडिंग की जाती है उस वैक्स के अंदर, सॉलिडिफाई कर दिया जाता है क्यूब के अंदर, उसे कहते हैं एम्बेडिंग। इन प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चलते।